और कुछ बातें खुद कादर खान से और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। एक्टिंग और टीचिंग आपकी जिंदगी के दो सबसे बड़े पहलू हैं। इन दोनों में कोई कॉमन बात जो आपने ऑब्जर्व की है? एक्टिंग एजुकेशन से अलग नहीं है, लोग पढ़ाते हैं। दिलीप साहब ने हमने सीखा, दिलीप साहब ने हमारे प्रिंसिपल से सीखा कैसे बोलना चाहिए, कैसे अदायगी करनी चाहिए, डायलॉग जुमले कैसे बोलने चाहिए। और उनके बाद दिलीप साहब से हमने सीखा। वो मेरे उस्ताद के शागिर्द थे, मैं उनके शागिर्दों का शागिर्द था, इसीलिए हमारा लहजा भी सेम है। अब आपने अरबिक में क्लास वन से ग्रेजुएशन तक का एक सिलेबस तैयार किया है। जी अरबिक का। हाँ। अरबिक का। What inspired you to do this? When he went to Holland, my father said, देख तू इतना अच्छा पढ़ाता है, बोर सब्जेक्ट ड्राई सब्जेक्ट को इतना मजेदार बना के पढ़ाता है, अरबिक क्यों नहीं पढ़ाता, दीनियात क्यों नहीं पढ़ाता, ये भी बहुत इंटरटेनिंग हो जाएगा। मेरे फादर ने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा, तूने वादा किया है। मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं है, आ जाएगा। तुझे एक्टिंग आती थी, राइटिंग आती थी, ये भी आ जाएगा। मेरे फादर की डेथ हो गई, ये डाइड एट दी एज ऑफ 95, काली दाढ़ी और चश्मा नहीं आंखों में, खुद के असली दांत। कादर खान विलेन कैसे बने जानेंगे कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी।